नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूं कहानी लेडा और हंस की। टिंडेरियस पाटा पर राज करते थे और अपने इस ताज के लिए वो हॉक्यूलस के कर्जदार थे, जिन्होंने उनके भाई को मार डाला था जब उसने स्पार्टा पर कब्जा करने की कोशिश की थी। राजा बनने के बाद टिंडेरियस ने एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी से शादी कर ली, जिसका नाम था लेडा। उसकी खूबसूरती की वजह से ज्यूस की नज़रें उस पर थी, और उसके शादी के बाद भी ज्यूस की चाहत उसके लिए कम नहीं हुई। लेडा एक दिन एक नदी के किनारे बैठी हुई थी जब उसकी नज़रें एक हंस पर पड़ी। वो दिखने में बेहद खूबसूरत था और लेडा उसके रूप से मोहित होकर उसे देखे जा रही थी कि अचानक आसमान से एक बाज आकर उस हंस पर झपटा। वो हंस तेजी से तैरते हुए लेडा की तरफ आने लगा और लेडा ने उसे बचाने के लिए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी मखमली पंखों पर हाथ फेरने लगी। इस बात से बिल्कुल अनजान कि जिस हंस को वो अपने सीने से लगाए बैठी है वो दरअसल देवताओं के राजा ज्यूस हैं, और अपने हवस को पूरा करने के लिए उसने लेडा के अंदर वासना जगाई और उससे मिलने के बाद वहाँ से चले गए। मगर ज्यूस के वहाँ से चले जाने के बाद भी लेडा की वासना कम नहीं हुई और वो सीधे राजमहल वापस जाकर अपने पति से मिली। इस घटना के बाद लेडा गर्भवती हो गई, मगर सब हैरान रह गए जब उसने अपने गोक से बच्चे नहीं दो अंडे पैदा किए। उनमें से एक अंडे में थी हेलेन और उसका भाई पॉलिड्यूसस, ज्यूस के संतान, और दूसरे में थी क्लाइटेमनेस्ट्रा और उसका भाई कैस्टर, टिंडेरियस के संतान। इस अजीब घटना के बावजूद राजा टिंडेरियस ने उन बच्चों में कोई भेदभाव नहीं किया और सभी को एक समान प्यार दिया। आगे चलकर उनके बच्चे ग्रीक मैथोलॉजी में अपना छाप छोड़ जाते हैं। क्लाइटेमनेस्ट्रा की शादी होती है एगमेमनॉन से, जो सारे ग्रीक राजाओं में से सबसे महान थे। कैस्टर और पॉलिड्यूसस जहाज में जेसन और उनके बाकी साथियों के साथ सुनहरी ऊन की तलाश में निकल पड़ते हैं और इस सफर में कई चुनौतियों का सामना करते हैं। हेलेन बड़ी होकर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बनती है, जिसको पाने के लिए सारे ग्रीक राजा पागल थे, और उन्हीं की वजह से शुरू होती है ट्रॉय का युद्ध। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।